नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, आपका स्वागत है। आज हमें कैसे स्मरण किया? आपका स्मरण तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। मेरा जीवन ही है लक्ष्मी नारायण, मेरा और कार्य ही क्या है? आपका स्मरण करना और आपकी चर्चा। बताइए क्या समाचार सुनाने आए हैं? सृष्टि का कौन सा भेद, कौन सा समाचार, कौन सा रहस्य आपसे छिपा है लक्ष्मी नारायण? मैं तो बस अपनी एक उलझन सुलझाने, अपने प्रश्न का उत्तर पूछने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो पूछिए ना। हे लक्ष्मी नारायण, आप माया के स्रोत हैं, माया का भंडार हैं, माया के रचयिता हैं। फिर ये विप्रचित्ति किस मायावी शक्ति की बात कर रहा है? क्या उसने कोई नई मायावी शक्ति का आविष्कार कर लिया है? नहीं देवर्षि, विप्रचित्ति कोई योगी नहीं है जो किसी शक्ति का आविष्कार कर लेगा। वो तो केवल एक भिक्षुक है, एक याचक है। उसके पास जो भी शक्ति है वो मांगी हुई है, चुराई हुई है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मांगी हुई शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगेगा तो अति शीघ्र शक्तिहीन हो जाएगा। कर लेने दीजिए उसे परीक्षा इस शक्ति की, क्षण भर आनंद उठा लेने दीजिए उसे इस शक्ति का। वो बेचारा क्या जाने कि जहां से उसे ये एक शक्ति मिली है वहां तो महान शक्तियों का भंडार है। मैं देवर्षि, मैं विप्रचित्ति के इस क्षणिक आनंद को भंग नहीं करना चाहता। देखिए तो सही, वो मूर्ख कितना प्रसन्न हो रहा है। वाश्री, आप? प्रणाम। मुझे बुआश्री की मृत्यु का बहुत दुख है। मैं स्वयं आपके पास शोक व्यक्त करने के लिए आना चाहता था, किंतु दुष्ट, तू मुझे भी अपने छल कपट में फांसना चाहता है, किंतु मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। विष्णु ने तुझे अग्नि में जल मरने से तो बचा लिया, किंतु देखता हूं जल में डूब मरने से कैसे बचाएगा। तेरे तो नेत्र बंद हैं, तू तो अपना दुखद अंत देख भी नहीं पाएगा। जा, डूब मर इस सागर के तल में। हाँ। ले लिया मैंने सिंहिका के वध का प्रतिशोध। ये धूर्त अब सागर के तल से कभी ऊपर नहीं आ सकेगा। ये सागर का जल इसकी समाधि बन जाएगा। क्या हुआ कमलनयन? आपका पुत्र प्रह्लाद ननिहाल की यात्रा पर निकला है महादेवी। ननिहाल की यात्रा कहाँ? आप भूल गई महादेवी, इस बार आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया है, तो सागर आपके पिता हुए और उनका घर प्रह्लाद का ननिहाल ही तो हुआ। विप्रचित्ति प्रह्लाद को सागर में फेंकने निकला है। पिताश्री नहीं जानते कि प्रह्लाद को मैंने अपना पुत्र माना है। कुछ अनर्थ ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा।
जाने कौन है ये सुंदर बालक, मुख पर इतना तेज, क्या आंखें नहीं ठहरती, कैसी मीठी निद्रा में सो रहा है वो। फिर उसे जगाकर पूछना भी तो उचित नहीं होगा ना, जाने कैसे सपने देख रहा होगा। किंतु ये कमल हमसे कह रहा है कि निश्चित इस मनमोहक बालक का संबंध हमारे जामाता श्री हरि विष्णु और पुत्री लक्ष्मी के साथ है। कमल जो हमारे जामाता के हाथ की शोभा भी है और पुत्री लक्ष्मी का आसन भी। राजकुमार प्रहरियो शीघ्र इधर आओ। राजकुमार कहां गए? श्रीमान अभी तो यही थे। किसी ने कारागार का द्वार खोला था? नहीं श्रीमान, जब से भगवान हिरण्यकश्यपु ने राजकुमार को यहाँ बंदी बनाया है तब से द्वार खोला ही नहीं। जाने क्या रहस्य है, मुझे तुरंत भगवान को इसकी सूचना देनी होगी। हे जनार्दन, इस समय आपका कमल कहाँ है? महादेवी, आपने अपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा किए जाने की इच्छा प्रकट की थी ना? मैंने अपने कमल को उसके शैया बना दिया। आपका पुत्र चैन से सो रहा है। मेरा पुत्र सकुशल तो है ना? महादेवी, जो सकुशल नहीं होते वो इतनी गहरी और मीठी नींद कहाँ सो पाते हैं। ऐसी निश्चिंत निद्रा तो केवल उन्हीं के भाग्य में होती है जो स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हैं। आप घबराइए नहीं, आपका पुत्र सकुशल है। विश्वेश्वर सत्य कह रहे हैं पुत्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम है सागर देवता। प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कमल को शैया बना देखकर ही मुझे अनुमान हो गया था कि उस पर सोए हुए बालक का संबंध अवश्य मेरे जामाता और पुत्री से होगा। बहुत गहरा संबंध है पिताश्री, प्रहलाद इनका भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र मान लिया है। तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी आयु में उसके मुख पर इतना तेज, इतना प्रताप कहां से आया। अब ज्ञात हुआ कि ये उसकी भक्ति भावना और तुम्हारे प्रेम का चमत्कार है। वो इस समय कहां है पिताश्री? अपने ननिहाल में है, नानी नाना के पास आया है। समस्त सागर संसार उसके अतिथि सत्कार में जुटा हुआ है। कहां लुप्त हो गया वो दुष्ट, कहां लुप्त हो गया? सिंगिका सत्य कहती थी कि उस धूर्त ने मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और जिनका प्रयोग वो मेरे विरुद्ध करना चाहता है, भगवान हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध। जाओ ढूंढो उसे, हर ओर ढूंढो, हर स्थान पर ढूंढो, और यदि वो मिल जाए तो उसे पकड़कर, जकड़कर, घसीटकर मेरे पास लाओ। नहीं तो ये जान लो कि यदि असफल हुए तो निर्जीव हो जाओगे। जाओ ढूंढो उसे। नहीं सर्वशक्तिमान, ये बेचारे अब प्रहलाद को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मैंने उसे सागर के गर्भ में फेंक दिया है और अब तक वो वहां से वो भूखी मछलियों के पेट में पहुंच चुका होगा। अर्थात कि तुम उसे कारागार से निकाल ले गए थे? हाँ, मैं ले गया था। उसने मेरी जीवन संगनी को जलाकर भस्म कर दिया था और मैंने उसे सागर के जल में डुबोकर मार दिया। हत्यारे, दुष्ट, तेरे हाथ मेरे पुत्र के रक्त से रंगे हुए हैं। तुमने हर जतन करके देख लिया, जब तुम मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुमने कायरों की बात उस पर उस समय वार किया जबकि वो सो रहा था। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। हत्यारे हो तुम, हत्यारे हो तुम लोग, हत्यारे हो। हाँ।
समुद्र देव, मैं आपसे अपना पुत्र वापस लूंगी। आपको मेरा पुत्र वापस लौटा नहीं होगा, लौटा ना होगा मेरा पुत्र वापस। मेरा पुत्र, मेरा लाल। हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, हाय मेरा पुत्र, मेरे लाल, मेरा पुत्र। हे सागर देव, आप विशाल है, आपका हृदय विशाल है। संसार कहता है कि आप इतने उदार हैं कि आपको कुछ भी भेंट किया जाए तो आप उसका स्वीकार करके उसे लौटा देते हैं। हे सागर देव, दानवराज कामरूप नरेश विप्रचित्ति ने मेरे पुत्र प्रहलाद को बलि के रूप में आपकी गोद में फेंक दिया है। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लीजिए सागर देव, मेरे पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद से निकालकर मेरी गोद में डाल दीजिए। एक माँ की गोद सुनी है सागर देव, एक माँ अपने पुत्र के जीवन की भीख मांग रही है। हे सागर देव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। देखिए आपने विधि की विडंबना महादेवी, पुत्र अपने ननिहाल में चैन की नींद सो रहा है और अनजान माता समुद्र की लहरों से उलझ रही है। ममता इसी का तो नाम है कमल नयन। पुत्र भले कितना ही सुखी हो परंतु यदि माता की आंखों से उछल हो तो माँ को पल भर भी चैन नहीं पड़ता, वो तो पुत्र का मुख देखकर ही जीती है। बेचारी कयाधु, उसे तो ये भी पता नहीं कि उसका पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे तो भय है कि कयाधु कहीं पुत्र वियोग में पागल होकर डूबकर अपने प्राण न दे दे। हाँ महादेवी, वो तो सागर में आगे आगे बढ़ती जा रही है। आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी कमल नयन। महादेवी, सागर तो आपका मायका है, मेरी तो ससुराल है, और ससुराल में अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता। देवी देखिए, पिता के घर पर तो पुत्री का अधिकार होता है, इसलिए वहां हस्तक्षेप का कष्ट तो आप ही को करना होगा। देवी आपकी यही इच्छा है तो जाती हूँ मैं। कयाधु को यूं डूबकर मरने नहीं दूंगी मैं, वो भी वहां सागर में जो मेरा मायका है। सागर ने जिस पल सुनी